बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम अगेन टू नोवा सक्सेस सीरीज 2020। अगर हम मंजिलों और कामयाबी की बात करें तो मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, उनका रास्ता हमेशा इंसानों के पैरों तले से गुजरता है। बलोचिस्तान के दूरअफ्तादा इलाके से शुरू किया गया सफर जो कि CSS 2020 को पाए तकमील तक पहुंचा। CSS 2020 में पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में एलोकेशन हासिल की रिजवाना मलिक ने, जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है। आज हम जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से मेहनत करके इस कामयाबी को हासिल किया। अस्सलाम वालेकुम रिजवाना। वालेकुम सलाम रिजवाना, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी एलोकेशन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हुई है। थैंक यू सो मच। तो रिजवाना, ये जो जर्नी है सिविल सर्विस की, ये कैसे तय की आपने? सिविल सर्विस की जर्नी, इट वॉज माई ड्रीम फॉर अ लॉन्ग वाइल। 2015 में जब मैंने अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट दी थी तो उसके बाद मुझे 5 साल का ऑलमोस्ट गैप देना पड़ा, जिसका रीज़न मेरी सर्विस थी एंड देन देर वर अ कपल ऑफ अदर थिंग्स जिनकी वजह से डिले होता गया एंड देन फाइनली आई अपीयर्ड इन 2020 एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई क्लियर्ड इट। सो इट वॉज वेरी टेस्टिंग फॉर मी बिकॉज काफ़ी एक जब टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी चीज़ का तो वो आपका पेशेंस टेस्ट करने वाली बात हो जाती है। सो या इट वॉज डेफिनेटली इट वॉज लाइक रोलर कोस्टर राइड काइंड ऑफ थिंग फॉर मी। So Rizwana, you were already serving in the Balochistan Civil Service and you were serving there for 3 years as an assistant commissioner. So what made you switch to the Central Superior Service? The main motivation for switching towards Central Superior Service was that the scope is greater, the canvas is bigger and aapko yahan par ek bade canvas par variety of postings par multiple different diversity ke logon ke sath aapko different social strata ke logon ke sath kaam karne ka mauka milta hai, unko serve karne ka mauka milta hai and jaise ki maine pehle as an AC bhi kaam kiya to I got to know about things that exist in our social system. To I got to know about the various views of masses. तो आई थिंक कि जब आप पुलिस सर्विस में आते हैं एंड दैट टू इन सेंट्रल सुपीरियर सर्विस, आप डिफरेंट एरियाज में सर्व करके बहुत चीज़ें लर्न भी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोविंसेस के प्रॉब्लम जो हैं वो डिफरेंट हैं, दूसरे प्रोविंसेस के मुख्तलिफ हैं, तो आप वही चीज़ें एक जगह पे कुछ चीज़ें बेहतर होती हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, आप वो चीज़ें लर्न करके उनको अपने प्रोविंस में जाकर इम्प्लीमेंट कर सकते हो या अपने प्रोविंस से अच्छी चीज़ ला कर तो आप उसको ऑन द फ्रंट फ्लोर ला कर तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा एक लर्निंग का प्रोसेस भी होता है इंसान के। तो दिस वाज़ द मेजर मोटिवेशन फॉर मी टू स्विच टू सेंट्रल सुपीरियर सर्विस। रिजवाना, वर देयर लाइक पीपल अराउंड यू हु वर ऑलरेडी इन द सर्विस जिन्होंने आपको मोटिवेट किया? बिकॉज नॉर्मली ऐसा होता है ना कि वी नीड पीपल अराउंड अस जो कि हमें मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, हमें गाइडलाइंस दें। डिड यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू जो आपको मोटिवेट कर रहे थे? बिल्कुल ऐसा ही है। इनफैक्ट मेरे जो पहली इंस्पिरेशन थी वो मेरे फादर ही थे, हु वाज आल्सो अ सिविल सर्वेंट इन बलूचिस्तान सिविल सर्विस एंड माय ग्रैंडफादर, माय पैटर्नल ग्रैंडफादर, ही वाज आल्सो इन बलूचिस्तान सिविल सर्विस। तो उन लोगों को देख कर ही बेसिकली मेरे अंदर ये ख्वाहिश डेवलप हुई कि मुझे भी पब्लिक सर्विस का काम करना चाहिए। फर्दर मोर आई वॉज ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर, तो लिटरेचर से वो होता है कि इंसान काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है टूवर्ड्स लाइफ, टूवर्ड्स व्यूज ऑफ पीपल। तो वहाँ से एक पब्लिक सर्विस की डिज़ायर मेरे अंदर डेवलप हुई एंड लेटर आई चूज पब्लिक सर्विस। वेरी नाइस। तो रिजवाना, ये CSS की जो जर्नी है, इट्स अ वेरी टायरसम जर्नी। देखा जाए तो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है वे यू हैव टू गो थ्रू द 12 सब्जेक्ट्स, एग्जाम्स रिटन देने होते हैं, साइकोलॉजिकल सेशंस हैं, देन कम्स इंटरव्यू। तो इस पूरे टाइम में, बिकॉज यू जस्ट सेड दैट यू आर वेरी सेंसिटिव, राइट? तो इस पूरे टाइम में हाउ डिफिकल्ट वॉज इट टू कीप योर सेल्फ मेंटली सेम? It was not much difficult because I think sensitive logon ki sabse badi strength, sensitivity is actually a strength. Yeah. It's not a weakness. So like Rizwana, aapke jo optional subjects hain jaise international relations, international law, US history, gender, sociology, to isme bhi like aapne bahut zyada written practice ki thi ya aapne written practice sirf essay pressy ki zyada ki hai? नहीं, एक्चुअली आई वॉज ऑलरेडी सर्विंग, तो मेरे पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता था जितना जनरली के एस्पिरेंट्स के पास होता है। तो मैंने इनकी तो इतनी रिटन प्रैक्टिस नहीं की थी जो मेरे ऑप्शनल या कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे, लेकिन इनको मैं ये करती थी कि मैं बुलेट्स ज़रूर बना लेती थी। वट एवर आई यूज़ टू रीड, आई यूज़ टू कन्वर्ट इट इनटू बुलेट फॉर्म, सो ताकि आखिर में आपको रिवीजन के लिए उसमें बहुत आसानी हो जाती है। तो बुलेट पॉइंट्स आप कैसे बनाती थी? लाइक आपने हैंड रिटन नोट से बनाती थी या ई नोट्स बनाती थी? मैं बुक के ऊपर ही हाईलाइट कर देती थी, या अगर मैं ऑनलाइन पढ़ रही होती थी ई नोट्स के थ्रू तो मैं उसको वहीं पर हाईलाइट कर देती थी, हाईलाइट की फॉर्म में मैं उसके बुलेट्स बना लेती थी।
ठीक हो गया। तो आपका एक कोई प्रॉपर फिक्स टाइम टेबल था कि मैंने आज के दिन में इतना पढ़ना है, ये सब्जेक्ट कवर करना है, या वो यू जस्ट गोइंग रैंडमली? नहीं, मैंने प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाया हुआ था, उसमें आई अलॉटेड 15 डेज टू ईच सब्जेक्ट। एंड उसके अंदर ये था कि मुझे जितना भी टाइम अपनी जॉब के अलावा मिल जाता था वो मेरा स्टडीज को ही डेडिकेटेड होता था। तो आई स्टडीड फॉर अराउंड 8 मंथ्स। ठीक है। तो रिजवाना, आपका जो बैकग्राउंड है, हाउ हेल्पफुल योर बैकग्राउंड वॉज इन लाइक योर बैकग्राउंड एजुकेशन, कितनी हेल्पफुल थी वो आपकी CSS की तैयारी में? मेरा बैकग्राउंड है इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स का, तो दैट हेल्प मी अ लॉट इन इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन, बिकॉज इसके लिए मुझे किसी से फिर हेल्प नहीं लेनी पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई क्लियर्ड इट विदाउट एनी हेल्प। सो दिस वाज योर, दिस वाज अ बिग हेल्प फॉर मी। ठीक, तो दिस वाज योर सेकंड अटेम्प्ट? यस। ठीक है, तो व्हाट डिफरेंट डिड यू डू इन योर सेकंड अटेम्प्ट कि आपके लिए सेकंड अटेम्प्ट में इट वाज इजीियर टू क्लियर इट? I worked on my Islamiyat paper because previously मैंने उर्दू में opt किया था, second time मैंने फिर उसको English में opt किया because I realized कि English is my strength, तो मैंने उसको English में opt किया। and further मैंने आयतें वगैरह, मुझे बहुत difficulty होती है आयतें याद करने में, तो first attempt में मैंने बिल्कुल उसको इतना importance नहीं दी थी, second attempt में फिर मैंने आयतों को proper पढ़ा और ऐसे करके उनको मैंने quote किया, तो I think it helped। ठीक है, तो आपने like आयत भी लिखी थी या सिर्फ उनका तर्जुमा लिखा? मैंने आयात लिखी थी, बिल्कुल लिखी थी पेपर में। ठीक है, क्यों? नॉर्मली ये होता है कि स्टूडेंट्स के लिए आयात याद करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे आपने मेंशन किया कि आपके लिए भी मुश्किल था, तो पीपल आर लाइक चलो तर्जुमा तैयार कर लेते हैं तो उससे भी गुजारा चल जाएगा। इसके लिए मैंने ये किया था कि मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क किया था इनफैक्ट, और मैंने ऐसी आयात को उसमें से निकाला था कि जो कि हर क्वेश्चन में फिट हो सके, एक क्वेश्चन नहीं तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन में तो एक ही आयत फिट हो सके। इस तरह मैंने उनको स्किम डाउन करते करते कोई 10-12 आयतें मैंने रख ली थी, लिख ली थी, उनको फिर मैं डेली सुबह के टाइम पर उठ कर रिवाइज किया करती थी, बिकॉज पीपल से कि सुबह के टाइम पर आपको बड़ा अच्छा याद होता है। तो आपने ये कहा कि आपका जो इंग्लिश लिटरेचर का बैकग्राउंड था दैट वॉज वेरी हेल्पफुल, तो उसने आपको एसे और प्रेसी में तो हेल्प आउट किया होगा, तो बाकी जो 10 मजामीन थे उसमें आपको क्या लगता है आपके बैकग्राउंड हेल्पफुल था या नहीं था? या डेफिनेटली, बिकॉज आपका एक रिटन एक्सप्रेशन होता है अच्छा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSS एग्जाम्स, और इसके एक्सप्रेशन के अलावा आपको एक फ्लो होता है, यूनिटी होती है, एक कोहेशन होती है आपकी राइटिंग स्टाइल के अंदर, प्रॉपर इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, तो इट वॉज रियली हेल्पफुल। ठीक, तो आपने अभी जिक्र किया थोड़ी देर पहले कि आपने एक प्रॉपर दिन अलॉट किए हुए थे कि 15 दिनों में एक कोर्स खत्म कर देना है, तो आप ये मतलब अमल कर पाती थी इस पर या कभी कभार ओवरलैप भी कर जाता था? आई वॉज वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ, तो मोस्टली मैं अमल कर पाती थी, एंड जब मैं नहीं कर पाती थी तो मुझे बहुत गिल्ट होता था, बिकॉज इट वॉज माई ओल्डेस्ट ड्रीम, कि 5 साल के गैप के बाद भी जब एक बंदा एक ड्रीम को लेकर चल रहा है तो डेफिनेटली मोटिवेशन लेवल बहुत ऊंचा है। दैट्स ट्रू। तो आपकी नज़र में, क्योंकि आपने बलूचिस्तान सिविल सर्विस भी पास किया हुआ है, आप असिस्टेंट कमिश्नर रही हैं, फिर उसके बाद आपने CSS भी क्लियर कर लिया, तो आपको क्या लगता है कि ये जो कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं इनके लिए व्हाट इज वन थिंग व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके बगैर CSS या BCS नहीं हो सकता? वन थिंग दैट इज डेडिकेशन किसी भी चीज़ के लिए लाइफ में, नॉट ओनली फॉर दीज कंपेरेटिव एग्जाम्स, लाइफ में आप कुछ भी करना चाहते हैं अगर आप डेडिकेटेड हैं तो आप वो कर ही लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, तो हमारे पास ना नॉर्मली जो व्यूअर्स होते हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो ये सवाल पूछते हैं कि बहुत सारे CSPs ये कहते रहते हैं इंटरव्यूज में कि हमने दिन में 18 घंटे पढ़ा, हमने दिन में 20 घंटे पढ़ा और फिर जाके हमारा CSS पास हुआ, तो आप तो एक तरह से लाइक यू हैड लाइक यू वर ऑलरेडी वर्किंग, तो आप एक दिन में कितना टाइम पढ़ती थी, कि आपको क्या लगता है कि दिन में 18-20 घंटे पढ़ने से ही CSS पास होता है या फिर एक मिथ है? आई थिंक ये मिथ है, बिकॉज 18-20 घंटे अगर कोई पढ़ता है लेकिन उसका डेडिकेशन लेवल उतना नहीं है तो फिर आई थिंक वो फिर भी नहीं कर पाएगा। इट्स जस्ट लाइक कि मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है जो कि उनको ऐसा देखने में लग रहा होता है कि वो पढ़ रहे हैं बट दे आर नॉट डेडिकेटेड इन द हार्ट ऑफ हार्ट, दे देमसेल्व नो इट। तो आपको अपने आप के साथ सिंसेयर होना पड़ता है, तो अगर आप अपने आप के साथ सिंसेयर हैं तो फिर आपको पता है आपको अपनी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट किस तरह से बनानी है, किन चीज़ों को प्रायोरिटी पर रखना है। तो मुझे इस हिसाब से, मुझे अपनी सेकेंड अटेम्प्ट में आई वॉज सर्विंग तो मुझे इतना टाइम नहीं इस हिसाब से मिला, लेकिन यस आई वॉज डेडिकेटेड आई थिंक। तो लाइक अगर आप लेट सपोज 10-12-15 घंटे नहीं निकाल पाती थी तो स्टिल यू आर एबल टू कवर द कोर्स इन 15 डेज?
राइट माशाल्लाह वेरी नाइस वेरी नाइस. दैट वाज बिकॉज मैं अपनी प्रीवियस अटेम्प्ट दे चुकी थी तो उससे काफी चीजें मेरे माइंड में थी और तब के जो मेरे बुलेट नोट्स थे फिर मैंने उनको रिवाइज किया. अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अपनी सेकेंड अटेम्प्ट में मोस्टली रिविजन ही की, पढ़ाई का काम ज्यादा नहीं किया, रिवाइज किया ज्यादातर, तो ये सही होगा. तो ये रिविजन स्ट्रैटेजी जो है ये क्या होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली होता है ना कि स्टार्ट में तो हम लाइक तैयारी कर लेते हैं, एक दफा गो थ्रू हो जाते हैं सिलेबस से, बट एंड का जो टाइम होता है लाइक जब एग्जाम्स होने वाले होते हैं फरवरी में, उससे पहले जनवरी और दिसंबर एंड का जो टाइम होता है उसमें आप की रिविजन का जब टाइम शुरू होता है तो क्या रिविजन स्ट्रैटेजी थी आपकी कि इस तरह से मैंने पढ़ना है, इस तरह से रिवाइज करना है ताकि सब चीजें जो है वो फ्रेश फ्रेश दिमाग में हो, तो क्या करती थी आप? मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि मैंने बुलेट पॉइंट्स बनाए हुए थे हर चीज़ को, और आई थिंक ये आपको प्रेसी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है बिकॉज प्रेसी में आई थिंक आपको एक टाइटल भी देना होता है प्रेसी को. तो जब आप एक पैराग्राफ का एक टाइटल बना देते हो तो इससे आपको पता नहीं होता बट आपकी वो रिफ्लेक्सेस जो हैं वो स्ट्रेंथन हो रहे होते हैं, आपको आपकी चीज़ लर्न कर रहे होते हो कि किस तरह एक पैराग्राफ का आप एक टाइटल बना रहे हो, साथ ही आपके बुलेट नोट्स भी तैयार हो रहे होते हैं, तो इट्स ईजियर टू रिवाइज इट. ठीक है, तो इस पूरी तैयारी में नॉर्मली अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स रिक्वायर द नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है, आपके IR में IR पेपर 2 में करंट अफेयर्स चाहिए होते हैं, करंट अफेयर्स का बजाते खुद एक पूरा भारी पेपर होता है, पाकिस्तान अफेयर्स में करंट अफेयर्स के सवाल आते हैं, तो ये जो करंट अफेयर्स की तैयारी है बहुत वास्ट तैयारी है ना, मतलब बहुत डिटेल में है, तो आप किस तरह डेट्स इवेंट्स करंट हैपनिंग्स अप टू डेट कैसे रहती थी? करंट अफेयर्स में सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू डेडिकेट माय करंट अफेयर्स सक्सेस टू सर फरीद, उनकी हेल्प के बगैर मैं बिल्कुल भी ये नहीं कर सकती थी. तो रिजवाना, ये जो करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट है इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, और नॉर्मली बाकी सब्जेक्ट्स इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, पाकिस्तान अफेयर्स हो गया और बाकी दीगर सब्जेक्ट्स में भी करंट अफेयर्स का रोल है, ये इतना वास्ट सब्जेक्ट आपने किस तरह से प्रिपेयर किया? क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं डिफरेंट हमारे पास मीडियम से तैयारी करने के हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज हैं, तो इन सब को कैसे आपने जॉट डाउन किया और किस तरह से तैयारी की? करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बिकॉज ये काफ़ी दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप कर रहा होता है, तो ऐसे में भी आपको हेल्पफुल होता है, IR में भी आपको हेल्पफुल होता है, सोशोलॉजी एट्सेट्रा में. तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगी सर फरीद को, बिकॉज उन्होंने मेरे अंदर एक उनके लेक्चर्स के थ्रू मेरे अंदर एक इंसाइट डेवलप हुई रिगार्डिंग करंट अफेयर्स. और जब एक इंसान की करंट अफेयर्स की जो भी ट्रेंड्स होते हैं, जो भी थ्योरीज होती हैं, उनके हवाले से एक इंसाइट डेवलप हो जाए तो काफ़ी ईजी हो जाता है. देन मैं कोई भी अपनी तरफ से कोशिश करती थी कोई भी मैगजीन कोई भी जर्नल वगैरह जो है उसको छोड़ू ना, मतलब मुझे करंट अफेयर के बारे में आई कुड ओनली बी श्योर कि जब मैं सब कुछ पढ़ लूँ, अपनी तरफ से मेरी ये कोशिश होती थी. एंड ऑफ कोर्स उसको देन अगेन बुलेट्स में कन्वर्ट करना ताकि मैं उसको दोबारा रिवाइज करूँ. ठीक है, तो रिजवाना हम बात करते हैं पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के बारे में थोड़ी सी. तो आपका ताल्लुक बलोचिस्तान से है और पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान इज़ अ वेरी डेयरिंग ऑक्यूपेशनल ग्रुप, तो आपने इट वॉज योर प्रेफरेंस, इट वॉज योर सेकेंड प्रेफरेंस, तो आपने इसको इतना डेयरिंग डिसीजन लिया कैसे, क्या मोटिवेशन थी, वॉज देयर लाइक हु वॉज बींग सपोर्टिव ऑफ यू के यार पुलिस में जाना है आपने? पुलिस सर्विस एक ऐसा शोभा है कि जिसके अंदर ज़्यादातर ये रुझान है कि फीमेल्स को इसमें नहीं जाना चाहिए, या बलूचिस्तान में ये रुझान है, बलूचिस्तान में काफ़ी कम है फीमेल PSP ऑफिसर्स. लेकिन व्हाट आई बिलीव इज़ के ख़वातीन को किसी भी शोबे से अपने आप को एलियनेट नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी हर शोबे में इंक्लूजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ख़वातीन, और उनके जो भी कंसर्न्स हैं, उनके जो भी व्यूज हैं, जब तक उनकी रिप्रेजेंटेटिव एक खातून अफसर ऊपर नहीं होगी तो वो उस तरह से अच्छे तरीके से पहुंचाए नहीं जा सकते. तो ख़वातीन फीमेल ऑफिसर्स का होना एक पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव चेंज है हमारे माशरे में, क्योंकि वो ख़वातीन की आबादी को रिप्रेजेंट कर रही हैं. तो ख़वातीन की जो आबादी है जब वो किसी ऑफिस में जाती हैं, उनको कोई काम पड़ता है, वहाँ पे कोई फीमेल ऑफिसर होगी तो वो भी कंफर्टेबल होंगी अपने इश्यूज़ को डिस्कस करने में. तो दैट इज़ व्हाई आई चोज टू बी इन PSP. रिजवाना, आप बलोचिस्तान से हैं, आप रोल मॉडल होंगी बलोचिस्तान की ख़वातीन के लिए, तो आप बलोचिस्तान की ख़वातीन जो कि पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में आना चाहती हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं कि किस तरह से वो तैयारी करके अपने आप को पुलिस सर्विस जैसी, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, तो इस जॉब में किस तरह से आके वो सेटल हो सकती हैं? देखिए, इट्स जस्ट दैट कि आप जब तक एक चीज़ से दूर भागेंगे तो वो चीज़ आपको परेशान करती रहेगी. जब हमारी फीमेल्स ख़वातीन की पुलिस फोर्स का एक रीज़नेबल रेशो में उसका हिस्सा बन जाएंगी तो ये सारे नॉर्म्स, ये सारे टैबूज जो एसोसिएटेड हैं ख़वातीन के पुलिस में होने से, ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे. तो हमें इन टैबूज को ख़त्म करना है, और मैं ख़वातीन को ये सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर PSP में आएँ और इस टैबू को ब्रेक करें.
और ख़वातीन की ही मदद करने के लिए, बिकॉज ओनली अ वुमन कैन हेल्प अनदर वुमन राइज. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन एंड वुमन शुड गो फॉर इट. आप पुलिस सर्विस को, बीइंग अ वुमन, हाउ डू यू सी द पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान इन फ्यूचर, या आप कैसे देखना चाहती हैं पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान को? मैं ऐसे देखना चाहती हूँ कि जैसे अभी ये ऑटोमेशन का दौर है तो हमें टेक्नोलॉजी को एट द बेस्ट यूटिलाइज करना चाहिए. टेक्नोलॉजी को हमें लेकर आना चाहिए और जिस तरह से हमारे दूसरे हमसाए ममालिक वगैरह में हो रहा है या तरक्की याफ्ता ममालिक में हो रहा है, तो हम डिफरेंट चीज़ों के लिए, FIR रजिस्ट्रेशन या ग्रीवियंस रिड्रेसल और इन सारे प्रोसेसेस के लिए, जब हम टेक्नोलॉजी को ले आएंगे बीच में, फेयर हो जाएगी हर चीज़, पब्लिक डायरेक्टली एक्सेस कर सकेगी, उनको इंसाफ मिलेगा, तो दैट वुड बी अ रियली गुड थिंग. ठीक है, थैंक यू सो मच रिजाना. आपने पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान और उसने ख्वातीन का किरदार को काफ़ी बेहतर तौर से हाईलाइट किया, एंड यू हैव ऑल्सो टोल्ड अस हाउ डू यू वॉन्ट टू सी द वुमेन वर्किंग इन द पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान. आपको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह आपको कामयाबियों से हमकिनार करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. आज के लिए इतना ही. आज हमारे साथ मौजूद थी रिजवाना मलिक, जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है और उनकी एलोकेशन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हुई है. रिजवाना ने आज हमें बताया कि किस तरह से उन्होंने CSS की तैयारी करके पुलिस सर्विस में लोकेशन हासिल की है. रिजवाना बलोचिस्तान में ऑलरेडी असिस्टेंट कमिश्नर के ओहदे पर फाइज थी और अब वो CSS क्लियर करके पुलिस सर्विस में लोकेट हो गई हैं. रिजवाना की कामयाबी बलोचिस्तान की ख्वातीन के लिए एक मशले रहा है. वो बलोचिस्तान की ख्वातीन के लिए एक रोल मॉडल कंसिडर की जाती हैं. हमें उम्मीद है कि रिजवाना ने जो भी आज हमें अपनी स्ट्रैटेजी बताई वो हमारे देखने वाले व्यूअर्स के लिए मशले राह साबित होगी. आज के लिए इतना ही. खुदा हाफिज़. फी अमानिल्लाह.